अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल में जैस्मिन। आज मैं आपके लिए ईद स्पेशल कस्टर्ड की रेसिपी लेके आई हूँ। तो गाइस, ये हर घर में हर किसी को बहुत पसंद आती है और समर का टाइम भी है, तो समर में तो हर किसी को ठंडा ठंडा पसंद आता है। तो चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मैंने अमूल का फुल क्रीम दूध ले लिया है और मैंने 1 kg लिया है। तो गाइस, आप अपने अकॉर्डिंग जितना भी दूध लेना चाहते हैं तो उसी के हिसाब से ले लीजिएगा। और इसको मैंने हाई फ्लेम पर बॉयल कर रही हूँ। तो गाइस, इसको दूध को ना, मैं जब भी खीर वगैरह या कुछ भी बनाती हूँ तो मैं अमूल का फुल क्रीम दूध ही लेती हूँ। तो गाइज़, आप देख सकते हैं इसमें दूध में जो है बॉईल आ गया है। अब इसको ना मीडियम फ्लेम कर दीजिएगा। कंटिन्यू दूध को आपको चलाते रहना है और साइड में मलाई वगैरह लग जाए ना तो आप इसको हटाते रहिएगा। और एक बॉल में आप नॉर्मल दूध ले लीजिएगा और ना इसमें मैंने 2 स्पून कस्टर्ड पाउडर मैं मिक्स कर लूँगी। तो गाइज़, आप नॉर्मल दूध या फ्रिज का दूध ये सब ले सकते हैं, बट गर्म बिल्कुल मत लीजिएगा। गर्म दूध में ना आप कस्टर्ड पाउडर आप मिक्स करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा लम्स छोड़ देते हैं, वो लम्स जाते नहीं हैं। तो मैंने 2 स्पून कस्टर्ड पाउडर मैंने मिक्स कर लिया है और इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे कि इसमें भी लम्स ना रहें, तो हमें इसको सही से मिलाना है। तो गाइस, आप इसमें ना 1 स्पून कस्टर्ड पाउडर और 1 स्पून ना आप कॉर्नफ्लावर भी ऐड कर सकते हैं। तो गाइस, इस तरीके से मैंने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। अब मैं इसको दूध में ऐड करूँगी। तो गाइस, आप ना दूध कंटिन्यू चलाते रहिएगा और इसको थोड़ा थोड़ा करके इसको दूध में मिक्स करिएगा। तो एक साइड में आपको दूध भी चलाना है और एक साइड में आपको कस्टर्ड पाउडर भी मिलाते रहना है। तो आप इसी तरीके से मिलाइएगा। आप छोड़ देंगे ना तो इसमें भी मोटे मोटे लम्स आ जाएंगे जो कि जाते नहीं हैं। तो इसी तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब मिक्स करने के बाद ना हम टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें चीनी भी ऐड कर लेंगे। तो गाइज़, मैंने 1 kg दूध में ना 2 स्पून कस्टर्ड पाउडर मिलाया है। आप इसको और ज़्यादा गाढ़ा करना चाहते हैं तो इसको ना आप 3 स्पून कर दीजिएगा तो ये और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो आपको 5 मिनट तक इसी तरीके से पकाते रहिएगा। मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी ऐड किया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी ऐड करिएगा। 5 मिनट हो चुके हैं। 5 मिनट के बाद मैंने फ्लेम ऑफ़ कर दिया है। ऑफ़ करने के बाद देख सकते हैं गाइज़, इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही है, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा कम। तो गाइज़, आप फ्रूट्स ड्राई फ्रूट डालेंगे ना तो ये गाढ़ा हो जाएगा। अगर आपको गाढ़ा चाहिए तो आप ना 1 स्पून कस्टर्ड और मिला दीजिएगा। गाइज़, मैंने 5 मिनट के लिए ना इसको ठंडा कर लिया। ठंडा करने के बाद मैंने ना बादाम को बारीक बारीक चॉप कर लिया था और मैंने 20 से 25 मैंने किशमिश ऐड कर लिया। आपको किशमिश पसंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। तो मैंने 20 से 25 काजू ले लिया है और मैंने ना 2 केला काट लिया था, उस केले को मैंने इसमें छोटे छोटे चॉप कर लिए थे वो मैंने इसमें ऐड कर लिया है। मैंने ग्रेप्स को छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे और मैंने ना 1 पूरा मैंगो मैंने छोटा छोटा बारीक बारीक चॉप कर लिया था, वो मैंने इसमें ऐड कर लिया है। तो गाइस, कस्टर्ड में आप कभी भी गर्म में फ्रूट्स वगैरह मत मिलाइएगा, नहीं तो ना ये बिल्कुल सारे फ्रूट्स काले हो जाएंगे, बिल्कुल भी सही नहीं लगेगा। तो गाइस, आप ज़्यादा ख़ास करके ना केला जो है ना, केले बिल्कुल साफ़ नज़र आते हैं काले काले, तो वो आप बिल्कुल भी मत करिएगा। तो ठंडा होने के बाद ही आप ड्राई फ्रूट या फ्रूट्स वगैरह डालिएगा। तो गाइज़, इसको मैंने मिक्स कर दिया है, सारे फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट को मैंने मिक्स कर दिया है। आप अपने अकॉर्डिंग सारे फ्रूट्स भी ले सकते हैं। और मैंने 1 बोल ना टूटी फ्रूटी डाल दिया है जिसको हम चेरी भी कहते हैं। तो गाइज़, वो मैंने मिक्स कर दिया है। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख दूँगी ठंडा होने के लिए। और ठंडा होने के बाद गाइज़, इसको मैं ना गिलास में इसको सर्व करूँगी। तो गाइज़, आपके घर में ना जब भी आप ना गिलास या कप वगैरह में या छोटे छोटे बोल में ना इसको सर्व करिएगा और सब में ना आप भर करके फ्रिज में डाल दीजिएगा। जब भी कोई बच्चे या बड़े आए ना तो उसको आप कप को या गिलास को निकाल के दीजिएगा ना, तो उन्हें बहुत पसंद आएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि ये बिल्कुल आइसक्रीम वाला टेस्ट आएगा। तो गाइज, मैंने अब इस गिलास में सर्व कर रही हूँ, इसमें मैंने डाल दिया। इसके ऊपर मैं टूटी फ्रूटी भी डाल दूँगी, फिर इसमें मैं कस्टर्ड डालूँगी, फिर इस पर टूटी फ्रूटी डाल दूँगी और फिर उसके बाद थोड़ा सा मैं गार्निशिंग के लिए रूह अफ़ज़ा डाल दूँगी। तो गाइज, ये बहुत ही पसंद आता है, मैं आपको बता नहीं सकती कितना अच्छा लगेगा ये रेसिपी, बहुत ही मज़े की लगेगी। और ये इस बार बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रही है तो ये वाली रेसिपी आप कोई भी गर्मी में से आए ना तो ये रेसिपी आप उनको सर्व करेंगे ना तो इंशाल्लाह उनको बहुत पसंद आएगी। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, रेसिपी बहुत ही अच्छी लगती है। तो गाइस, ये बड़े बच्चों सबको बहुत पसंद आती है। तो अब मैंने इसके ऊपर से आइसक्रीम डाल दिया है, तो आइसक्रीम जो है कस्टर्ड का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। आप इसी तरीके से बना करके रखिएगा फ्रिज में हमेशा, और बच्चे वगैरह के लिए तो बहुत ही ज़्यादा सही है ये रेसिपी, बहुत ही शौक से खाते हैं और ये हेल्दी फूड भी है क्योंकि गाइस में सारे फ्रूट्स और सारे ड्राई फ्रूट्स हैं। तो इसी तरीके से आप बना के रखिएगा और गेस्ट वगैरह आएँ तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। तो अगर
गाइज़, आपको मेरे कस्टर्ड की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।